बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई भी माइक्रो कंट्रोलर जब बाहर की दुनिया से कम्युनिकेट करता है तो उसके लिए वो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स का इस्तेमाल करता है। अगर किसी माइक्रो कंट्रोलर ने किसी दूसरे माइक्रो कंट्रोलर के साथ या किसी डिजिटल सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करना हो, मतलब इसने डेटा सेंड करना हो या उससे डेटा रिसीव करना हो, तो उसके लिए ये आईओ पोर्ट्स यूज़ करेगा। इस वजह से किसी भी प्रोग्रामर के लिए इंतहाई ज़रूरी होता है कि वो अगर उसने किसी माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम करना है तो उससे पहले वो उसके आईओ पोर्ट्स को समझे। इस वीडियो में हम पीकेटीन के आईओ पोर्ट्स के बारे में देखेंगे कि पीकेटीन के आईओ पोर्ट्स कितने होते हैं, कौन कौन से आईओ पोर्ट्स होते हैं और इनको प्रोग्राम कैसे करते हैं। पीकेटीन फैमिली में आईओ पोर्ट्स की तादाद वेरी कर रही होती है। आईओ पोर्ट्स की तादाद डिपेंड करती है कि उस चिप में कितने पिन्स हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम पिक 18F8525 को देखें तो ये 80 पिन का पैकेज है। इसके चिप में 80 पिन्स होते हैं और इसमें पोर्ट्स की तादाद है 11, पोर्ट ए से लेकर पोर्ट एल तक। जबकि जो 64 पिन चिप का पैकेज है पिक 18F6525, इसमें पोर्ट्स की तादाद, आईओ पोर्ट्स की तादाद 9 होती है। 40 पिन पैकेज पिक 18F458 में आईओ पोर्ट्स 5 होते हैं, जबकि 28 पिन चिप पिक 18F2220 में आईओ पोर्ट्स 3 होते हैं। इसी तरीके से जो 18 पिन की चिप है पिक 18F1220, इसमें पोर्ट्स 2 ही होते हैं, पोर्ट ए और पोर्ट बी। सो पोर्ट्स की तादाद, आईओ पोर्ट्स की तादाद फिक्स नहीं होती पिक 18 फैमिली के अंदर, वो चिप टू चिप वेरी कर रही है, डिपेंड करता है कि उस चिप में पिन्स कितने हैं। आईओ पोर्ट सिर्फ इनपुट आउटपुट फंक्शंस के लिए यूज़ नहीं होते, बल्कि इनपुट आउटपुट फंक्शंस के अलावा भी हर पोर्ट की अपनी स्पेशल फंक्शनैलिटीज होती है। लाइक एडीसी हो गया, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, इंटरप्ट्स हो गए, टाइमर्स हो गए, सीरियल कम्युनिकेशन एटसेट्रा। सो सिर्फ इनपुट आउटपुट फंक्शंस नहीं होते आईओ पोर्ट्स के, बल्कि इनके अलावा भी इनके हर पोर्ट की अपनी स्पेशल फंक्शनैलिटीज होती है। इस वीडियो में हमारा फोकस होगा आईओ पोर्ट्स के इनपुट आउटपुट फंक्शंस, और ये जो बाकी की जो स्पेशल फंक्शनैलिटीज़ है इनको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक चीज़ ये कि ज़रूरी नहीं है कि सारे पोर्ट्स में पिंस की तादाद सेम हो। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम पिक 18F458 की बात करें जिनमें हमारे पास 5 आईओ पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट ए, पोर्ट बी, पोर्ट सी, पोर्ट डी और पोर्ट ई। इनमें जो पोर्ट ए है इसमें 7 पिंस होते हैं, 7 बिट की पोर्ट होती है, जबकि पोर्ट बी, पोर्ट सी और पोर्ट डी ये 8 बिट पोर्ट्स होते हैं, 8 पिंस होते हैं इनमें, जबकि पोर्ट ई में सिर्फ 3 पिंस होते हैं। सो जो पिंस की तादाद है वो भी वेरी करती है। किसी भी पोर्ट के साथ पिकेटिंग की जब हम बात करते हैं तो किसी भी आईओ पोर्ट के साथ 3 स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स एसोसिएटेड होते हैं। एक होता है पोर्ट एक्स, ट्रिस एक्स रजिस्टर या ट्राई स्टेट रजिस्टर जो है, और तीसरा रजिस्टर है लैच या लेट एक्स। सो ये 3 रजिस्टर्स ये हर पोर्ट के साथ एसोसिएटेड होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम पोर्ट ए की बात करें तो पोर्ट ए के साथ एक रजिस्टर होगा पोर्ट ए, दूसरा रजिस्टर होगा ट्रिस ए और तीसरा रजिस्टर उसका होगा लेट ए। लाइक सिमिलरली पोर्ट बी के साथ पोर्ट बी होगा, ट्रिस बी होगा और लेट बी। ट्रिस रजिस्टर का इंतहाई अहम रोल होता है किसी भी पोर्ट को एज एन इनपुट पोर्ट बनाने में या उस पोर्ट को आउटपुट पोर्ट बनाने में। अगर हम किसी पोर्ट को आउटपुट पोर्ट बनाना चाहते हैं, मतलब उस पोर्ट के ज़रिए हम माइक्रो कंट्रोलर डाटा सेंड करना चाहता है, तो सिंपली हम क्या करेंगे कि उसके करिस्पॉन्डिंग ट्रिस रजिस्टर में ज़ीरोस प्लेस कर देंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, हमने अगर पोर्ट ए को एज एन आउटपुट पोर्ट बनाना है तो हम ट्रिस ए रजिस्टर में 0 मूव करा देंगे। 0 से क्या होगा कि वो पोर्ट एज एन इनपुट पोर्ट काम नहीं करेगा, बल्कि एज ए आउटपुट पोर्ट काम करेगा। एक एग्जांपल से देखते हैं इसको। टॉगल ऑल 8 बिट्स ऑफ पोर्ट बी फॉर एवर विद सम टाइम डिले इन बिटवीन ऑन एंड ऑफ स्टेट्स।
में कहा गया है कि पोर्ट बी के बिट्स को कंटिन्यूसली टॉगल करें और टॉगल के दौरान उसमें डिले आए। डिले आपको याद होगा, डिले हमने एक और वीडियो में उसके बारे में तफसील से देखा है। आज हम देखेंगे कि हम इनको पोर्ट्स को यूज़ कैसे कर रहे हैं। सो यहाँ पर हमें कहा गया है कि पोर्ट बी को टॉगल करें। सो इसका मतलब ये है कि पोर्ट बी को हमने एज एन आउटपुट पोर्ट डिक्लेयर करना है पहले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पोर्ट बी के जो ट्रिस रजिस्टर है, ट्रिस बी, उसमें हम जीरोस प्लेस कर देंगे। इससे होगा क्या कि ट्रिस बी ज़ीरो हो गया, तो अब इससे होगा ये कि जो पोर्ट बी है हमारा, वो एज एन आउटपुट पोर्ट काम करेगा। फिर उसके बाद हम पोर्ट बी में वैल्यूज़ मूव करा देते हैं। लेट सपोज हम पोर्ट बी में 55 है जो वैल्यूज़ मूव करा देते हैं। फिर उसके बाद डिले सब रूटीन कॉल कर लेते हैं, कॉल डिले के ज़रिए। फिर पोर्ट बी की वैल्यूज़ को टॉगल कर लेते हैं। पहले हमने उसमें 55 डाला था, तो 55 का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास डबल ए है, तो पोर्ट बी में फिर हम डबल ए की वैल्यू डाल देते हैं और उसके बाद दोबारा डिले की सब रूटीन को कॉल कर देते हैं। और चूंकि हमें कहा गया था कि इस ये कंटिन्यूसली फॉर एवर टॉगल होना चाहिए, सो हम ब्रांच की इंस्ट्रक्शन डाल के इस लूप को कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट करा लेते हैं। इसमें आप देखिएगा, अगर हम ये शुरू की जो दो लाइंस है, ये शुरू की दो लाइंस को अगर हम रिमूव कर ले, तो ये हमारा डेटा पोर्ट बी में तो चला जाएगा। पोर्ट बी की वैल्यूज़ टॉगल तो होंगी, पोर्ट बी में पहले 55 आएगा। पोर्ट बी रजिस्टर की बात कर रहा हूँ, पोर्ट बी रजिस्टर में पहले 55 की वैल्यू आएगी और फिर उसके बाद डिले के बाद डबल ए की वैल्यू आएगी। लेकिन ये हमारा डेटा पोर्ट बी के पिंस पे नहीं आ सकेगा। अगर हम डेटा को पोर्ट बी के पिंस पे लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें ट्रिस बी को ज़ीरो करना पड़ेगा। अगर हम ये नहीं करते तो पोर्ट बी रजिस्टर के अंदर वैल्यूज चेंज होती रहेंगी, लेकिन पोर्ट बी पिंस के ऊपर डेटा नहीं आ सकेगा। इसी तरीके से अगर हम किसी आयो पोर्ट को इनपुट पोर्ट बनाना चाह रहे हैं, तो हमें उसके करिस्पॉन्डिंग ट्रिस रजिस्टर में वंस प्लेस करने होंगे और उसके बाद ही हम उसका डेटा उसके पिन से रीड कर सकेंगे। जब तक हम उसके करिस्पॉन्डिंग रजिस्टर में वंस प्लेस नहीं करते, हम उस पोर्ट के पिन से डेटा रीड नहीं कर सकेंगे। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने पोर्ट बी से डेटा रीड करना है, तो सबसे पहले हम पोर्ट बी में वंस डालेंगे या डबल एफ एच की वैल्यू डालेंगे, उसके बाद ही हम पोर्ट बी के पिन से डेटा रीड कर सकेंगे। इस एग्जाम्पल को देखते हैं। गेट द डेटा प्रेजेंट एट द पिन्स ऑफ पोर्ट सी एंड सेंड इट टू पोर्ट बी इनडेफिनेटली आफ्टर एडिंग द वैल्यू 5 to 8। हमें कहा गया है कि सबसे पहले आप पोर्ट सी से डेटा रीड करें, फिर उसके साथ 5 ऐड करें और आखिर में वो फाइनल डेटा पोर्ट बी को सेंड करें। तो सबसे पहले हम पोर्ट सी से डेटा रीड करेंगे, उसको वर्किंग रजिस्टर में लेके जाएंगे, वहाँ पर 5 ऐड करेंगे उस डेटा के साथ, और जो डेटा हमारे पास फाइनल डेटा आएगा, उसे हमने पोर्ट बी को सेंड करना है इनडेफिनेटली, मतलब कंटिन्यूसली ये काम करते रहना है। सब तो इस केस में अगर हम देखें, तो पोर्ट सी हमारे पास एज एन इनपुट पोर्ट होगा, जबकि पोर्ट बी एज एन आउटपुट पोर्ट होगा। तो पहले हम इन पोर्ट्स को डिक्लेयर कर लेते हैं, पोर्ट बी को एज एन आउटपुट पोर्ट डिक्लेयर कर लेते हैं और पोर्ट सी को एज एन इनपुट पोर्ट डिक्लेयर कर लेते हैं। पोर्ट बी को आउटपुट पोर्ट डिक्लेयर करने के लिए हमें ट्रिस बी रजिस्टर को ज़ीरोस करने पड़ेंगे, मतलब उसमें हमें ज़ीरो डालना पड़ेगा। सो वो हम अचीव कर लेते हैं CLRF इंस्ट्रक्शन के ज़रिए, क्लियर एफ ट्रिस बी। इससे क्या होगा कि ट्रिस बी में ज़ीरोज़ आ जाएंगे, जिसकी वजह से पोर्ट बी एज एन आउटपुट पोर्ट डिक्लेयर हो जाएगी। सिमिलरली पोर्ट सी को इनपुट पोर्ट डिक्लेयर करने के लिए हमें ट्रिस सी रजिस्टर में वंस या डबल एफ एच मूव कराना होगा, या हम सिंपली सेट एफ इंस्ट्रक्शन यूज़ करके ये काम कर सकते हैं। सेट एफ ट्रिस सी से क्या होगा कि पोर्ट सी एज एन इनपुट पोर्ट बन जाएगी। अब हम पोर्ट सी से डेटा रीड कर सकते हैं। सो हम पोर्ट सी से डेटा रीड करेंगे,
और वो डेटा हमें वर्किंग रजिस्टर में लेके जाना होगा, क्योंकि वर्किंग रजिस्टर BIG18 में एज एन एक्यूमुलेटर काम करता है। हमें कहा गया है कि इस डेटा के साथ 5 ऐड करना है, सो 5 हम तभी ऐड कर सकेंगे जब वो डेटा वर्किंग रजिस्टर में पड़ा होगा। सो हम मूव एफ इंस्ट्रक्शन के ज़रिए पोर्ट सी का डेटा वर्किंग रजिस्टर में ले जाते हैं और फिर उसके साथ एड एल डब्ल्यू इंस्ट्रक्शन के थ्रू 5 ऐड कर लेते हैं। अब वर्किंग रजिस्टर के जो कंटेंट्स है ये अब हमने सेंड करने हैं पोर्ट बी को, क्योंकि पोर्ट बी हमारा आउटपुट पोर्ट है। तो हम मूव वर्किंग टू फाइल रजिस्टर इंस्ट्रक्शन के ज़रिए ये डेटा पोर्ट बी को सेंड कर देते हैं, क्योंकि हमें प्रोग्राम में कहा गया है कि इनडेफिनेटली काम करें। सो हम एक अनकंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन लगा के इसको कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट कराएंगे। पाइपलाइनिंग की वजह से हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि हम दो आईओ ऑपरेशंस को एक साथ यूज़ ना करें, मतलब ऐसा करना मुनासिब नहीं होगा कि हम एक इंस्ट्रक्शन में किसी पोर्ट से डेटा रीड करें और उसकी अगली ही इंस्ट्रक्शन में हम वो डेटा किसी दूसरी पोर्ट पे राइट करना चाहें। इसकी वजह ये होती है कि प्रोसेसर को, माइक्रो कंट्रोलर को वो टाइम नहीं मिलता कि वो सही तरीके से पहले डेटा रीड करे और फिर उसे राइट करे। इस चीज़ का हल ये है कि हम रीड और राइट ऑपरेशन के दरमियान या तो कोई NOP इंस्ट्रक्शन यूज़ करें या कोई भी दूसरी इंस्ट्रक्शन यूज़ करें, ताकि माइक्रो कंट्रोलर को डेटा रीड करने के लिए प्रॉपर टाइम मिल सके, ताकि वो अच्छे से डेटा रीड करे पहले और फिर उसके बाद ही वो डेटा राइट कर सके। इसको बोलते हैं डेटा डिपेंडेंसी। CPU डिज़ाइन में जब हम बात करते हैं तो इस चीज़ को बोलते हैं डेटा डिपेंडेंसी। और इस टाइप की जो डेटा डिपेंडेंसी है इसको कॉमनली कहा जाता है रा या रीड आफ्टर राइट। एक दूसरा तरीका है जिससे हम इस डेटा डिपेंडेंसी को ख़त्म कर सकते हैं और वो ये है कि हम मूव FF की इंस्ट्रक्शन यूज़ करें। मूव FF इंस्ट्रक्शन चूँकि 4 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, तो इस दौरान प्रोसेसर, जाहिर बात है 4 बाइट की इंस्ट्रक्शन 2 साइकिल्स में ये इंस्ट्रक्शन फेच होती है, सो प्रोसेसर को अच्छा टाइम मिल जाता है कि वो पहले डेटा रीड करे और फिर उसके बाद ही वो उसको राइट कर सके। जब भी आप PIC माइक्रोकंट्रोलर को रीसेट करते हों या उसे रिबूट करते हों तो बाय डिफ़ॉल्ट सारे पोर्ट्स की ट्रिस रजिस्टर्स में वंस पड़े होते हैं या डबल एफ की वैल्यूज होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट सारे पोर्ट्स एज एन इनपुट पोर्ट्स बने हुए होते हैं। होपफुली आज की वीडियो की समझ आ गई होगी आपको। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।